बच्चों, आज हम बायो डाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में जानेंगे, जो एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट थर्ड से लिया गया है। जैव विविधता जीवों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नताओं को कहते हैं, जो कि प्रजातियों में उनकी परितंत्र के विविधता को भी दर्शाता है या फिर समाहित करता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। जैव विविधता दुनिया में कुल कितने ही प्रजातियां हैं जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 14 लाख प्रजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है, जिसमें से लगभग 2,48,000 पौधे, 2,81,000 जंतु, 68,000 कवक, लगभग 26,000 शैवाल और 4,800 जीवाणु, 1,000 विषाणुओं को शामिल किया गया है। और यदि देखा जाए तो एक रिकॉर्ड के हिसाब से इकोसिस्टम जो क्षय हो रहा है, इसमें प्रत्येक वर्ष 27,000 से 30,000 तक की प्रजातियां प्रत्येक वर्ष जो है वो विलुप्त हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैव विविधता का महत्व क्या है, कि जैव विविधता हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमें जैव विविधता से क्या क्या लाभ मिल सकता है। जैव विविधता कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैव विविधता कृषि की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधी कीट रोगी फसलों की किस्मों के विकास में भी ये सहायक होता है। प्राकृतिक वनस्पति जैसे औषधीय पौधे हमको इसी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ मिलती हैं, उनमें 30% जो होते हैं, जो वनस्पतियाँ औषधीय वनस्पतियाँ मिलती हैं, उनमें 30% उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में सहायक होता है। इसके कई ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनको ये अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, मतलब प्रदूषण को कम करने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि विविधता में संपन्न वन परितंत्र या जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, को अवशोषित करके हमारे परितंत्र को वो सुरक्षित करता है। जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उनके संरक्षण में भी सहायक होता है। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी मृदा के संरक्षण को सुधारती भी है और उनके पोषक तत्वों की क्षमता को बढ़ाती है, और साथ ही साथ यह जल संरक्षण में भी सहायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता पोषक तत्वों को गतिमान रखने में सहायक होती है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल इत्यादि आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे साइकिल जो है वो इस बायोडाइवर्सिटी में ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैव विविधता परितंत्र को स्थिरता प्रदान कर इस इकोसिस्टम को संतुलित रखती है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र का अपनी एक विविधता है, दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र का अपनी एक विविधता है। जैसे जल में उपस्थित मछली है, उसमें बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वो एक
जल का इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे थली पौधे मौजूद होते हैं, वो फॉरेस्ट की इकोसिस्टम है। तो ये सभी मिलकर इस पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाकर रखती है। उसी प्रकार से मैंग्रोव्स तो आपने सुना होगा, मैंग्रोव्स ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है, ऐसे वन को कहा जाता है जहाँ का क्षेत्र दलदली होता है और दलदली होने के साथ साथ सॉल्टी भी होता है, मतलब खारा होता है। और इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इनके जो वृक्ष होते हैं उनके जड़ जब इस मार्शी एरिया में फैले हुए रहते हैं, दलदली क्षेत्रों में फैले हुए रहते हैं, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो उस दलदल से बाहर निकल आते हैं और न्यूमिटोफोर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम, ऐसे वन को हम मैंग्रोव्स वन, जो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, कहते हैं। वो प्रकृति में तूफान, सुनामी और कुछ आपदाओं से ये हमें बचाते हैं। उसी प्रकार से जैव विविधता विभिन्न सामाजिक लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे ये प्रकृति के अध्ययन की एक प्रयोगशाला है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शोध के क्षेत्र में हो, चाहे प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हो, प्रकृति की विविधता जो है हर संभव मानवों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैव विविधता क्षरण किस प्रकार से होता है। जैव विविधता क्षरण मतलब ह्रास, कि हम ह्रास किस प्रकार से करते हैं। ये ह्रास जो है मुख्यतः मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, चाहे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित हो, लाइवलीहुड हो, या कोई किसी अन्य कारणों से, हम धीरे 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 इस बायोडाइवर्सिटी को संकटग्रस्त की ओर ले जा रहे हैं। तो उनके विनाश के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आगे बताया गया है। पहला है आवास विनाश। जिस प्रकार से तेज़ी से मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मानव गतिविधियां जो हो रही हैं, वो उनके आवास के विनाश का प्रमुख कारण है। जैसे कि आज के समय में हम ये देखेंगे कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स धीरे धीरे समाप्ति या विलुप्ति की कगार में हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आवास विखंडन। आवास विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशाल क्षेत्रफल में आवास करता है और आवास करने के बाद वो खंडों में टूट जाता है और मुख्य आवास जो ग्रह होता है वो उनका नष्ट हो जाता है और एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जैव विविधता के क्षरण का कारण है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारण है पर्यावरण प्रदूषण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण जो है वो प्रदूषित हो चुका है और प्रदूषण जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कई ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जो कारखानों से निकलते हैं, जो कीटनाशकों के छिड़काव से जो पानी में बहकर आ जाता है, तो उन सब के कारण जल में उपस्थित जो इकोसिस्टम है या फिर थल में उपस्थित जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं इस प्रदूषकों के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं अतिशोषण। अतिशोषण मीन्स बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण जैविक संसाधनों का दोहन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य अपनी उपयोगी वस्तुओं के लिए वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से या कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और जुड़े होने के कारण इनका ये दोहन करता है और साथ में ये क्षरण भी करता चला जा रहा है। नेक्स्ट है वन विनाश। वन विनाश मतलब विकास कार्य तथा कार्यों के विस्तार के सॉरी कृषि के विस्तार के कारण कई उष्णकटिबंधीय देशों में जंगलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है, जिससे उस उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले जैविक या वनों में रहने वाली जो विविधताएं हैं उनका क्षरण हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अति चराई। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण है वो भेड़ बकरियों या अन्य पशुओं
जो मुख्यतः शाकाहारी होते हैं वो चारे के रूप में उपयोग में लाते हैं, और लाने के पश्चात उस जगह के जो पर्यावरणीय व्यवस्था है उसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतियोगी या परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश, किस प्रकार से प्रतियोगिता होगा और परभक्षियों के द्वारा किस प्रकार से विनाश होगा इस बायोडाइवर्सिटी का। इसमें जब एक प्रजाति किसी दूसरे एरिया में प्रवेश करता है तो उनमें एक कंपटीशन आता है, या फिर उसी क्षेत्र में जो मौजूद एक ही प्रकार के प्रजाति हैं उनमें कंपटीशन आता है। किस प्रकार का कंपटीशन, चाहे वो शिकार से संबंधित हो चाहे वो भोजन से संबंधित हो, उनके बीच में प्रतियोगिता होता है और उनके पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देता है और उन्हें प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण क्या है, कि किस प्रकार से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि मैं इससे पहले आप लोगों को बताई कि धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं जैव विविधता को धीरे धीरे इनको समाप्त करते चले जा रहे हैं, संकट के कगार में पहुंचा दिए हैं। तो उनका संरक्षण किन माध्यमों से हो सकता है, हम उनको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। इसके संरक्षण से आशय है कि इनके संसाधनों के प्रबंधन से तथा उनसे व्यापक उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, जिससे मानव जाति को इससे लाभ प्राप्त हो सके, और इन और क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, इस वजह से इनका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है, और इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ सूखा आदि से राहत भी प्रदान करती है। थर्ड हम देखेंगे प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करना इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बाद मैस स्टुअर्ट एवं IUCN 1994 मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संघ ने वनस्पतियों एवं जंतुओं की कम होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया, कि हम उनका संरक्षण करें कैसे, कि हम किस कैटेगरी में उनको रखें कि हम उनको इस आधार पे हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो उनको कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणी है, पहला असहाय प्रजाति, वे प्रजाति हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियां बन सकती हैं अगर वर्तमान कारक और प्रकोप इसी प्रकार से जारी रहा तो वो संकटग्रस्त तक आ सकती हैं। उनकी जनसंख्या के गिरावट में उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे गिरावट की ओर जा सकता है, गिरावट हो सकता है। जैसे कि भारत में भालू स्थाल बियर इसका बहुत मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्लभ प्रजाति, यह वे प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या कम होने के कारण इनकी विलुप्ति का खतरा बना रहता है। मतलब ऐसे दुर्लभ प्रजाति है जिनकी संख्या बहुत कम है और वो धीरे धीरे जो है विलुप्ति की कगार में है, जैसे शेर मतलब एशियाटिक लायन इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनिश्चित प्रजाति, ये वे प्रजाति हैं जिनकी विलुप्ति का खतरा है लेकिन इनके बारे में हम नहीं जानते, ये अज्ञात है, जैसे मैक्सिकन प्रेरी कुत्ता इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजाति, ये वे प्रजातियां हैं जिनके विलुप्त का खतरा निकट भविष्य में है। इन प्रजातियों की जनसंख्या गंभीर रूप से निरंतर कम होती चली जा रही है, प्राकृतिक आवास इनका बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जैसे कि गंगा का डॉल्फिन है या नील व्हेल मछली है।
जिस जो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत जिनको लिया गया है। नेक्स्ट है गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति, ये वे प्रजातियां हैं जो निकट भविष्य में जंगली अवस्था में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं है और जंगली है और वो विलुप्त होने की कगार में है, जैसे कि सोन चिड़िया या गंगा शार्क। ये संकट गंभीर गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विलुप्त प्रजाति, ये वे प्रजातियां हैं जिनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो चुका है, जैसा कि डायनासोर। आपने सुना होगा डायनासोर जो है पहले हुआ करते थे, बहुत विशाल काय हुआ करते थे, जो आज हमको उनके अवशेष मिलते हैं। तो मतलब ये किसी समय था, लेकिन धीरे 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 पर्यावरण में ऐसा परिवर्तन आया कि विलुप्त तो हो चुका है। तो ऐसी प्रजातियों को जो इस समय मौजूद है उनको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति, ऐसी प्रजातियां जो किसी एक संरक्षण श्रेणी से संबंध होते हैं लेकिन उनकी जानकारी जो है वो अपर्याप्त है, उनकी जानकारी का हमको अभाव है, जिसके कारण हम उनको श्रेणी में नहीं रख सकते और उनको उनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे प्रजाति को हम अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संरक्षण आधारित प्रजाति, ये वे प्रजातियाँ होती हैं जो आवास आधारित संरक्षण कार्यक्रम पर निर्भर होती है। अगर संरक्षण कार्यक्रम रुक जाता है तो ये प्रजातियाँ 5 वर्ष के भीतर जोखिमग्रस्त अवस्था में या जोखिमग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लगभग जोखिमग्रस्त प्रजाति, ये वे प्रजातियां हैं जो दुर्लभ श्रेणी में पहुंचने के करीब होते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों के अभाव वाली प्रजातियां, कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिनके विषय में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण इनको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अमूल्यांकित प्रजाति, ये वे प्रजाति है जिनका आंकलन किसी भी मापदंड के अनुसार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न श्रेणियों में बायोडाइवर्सिटी को बांटकर हम किस प्रकार से उनका संरक्षण कर सकते हैं और उनका रक्षा कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से जैव विविधता के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए जो कि संकटग्रस्त है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कई प्रजातियां जो है वो संकटग्रस्त होती हैं और हमें संकटग्रस्त होती हैं और उनका संरक्षण जो है वो अति आवश्यक है। विलुप्ति पर रोक के लिए उचित योजना तथा प्रबंधन की आवश्यकता, अगर कोई प्रजाति विलुप्त तो हो रहा है तो उसे किसी योजना के तहत किसी प्रबंधन के तहत उसे बचाया जाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट है खाद्य फसलों, चारा पौधे, मवेशियों, जानवरों तथा उनके जंगली रिश्तेदारों को संरक्षित रखा जाना चाहिए। जो वाइल्ड वैरायटी है उनको संरक्षित रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक देश की वाइल्ड स्पीसीज आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद है उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जहाँ प्रजातियाँ भोजन, प्रजनन तथा पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट है जंगली पौधों तथा जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने फायदे के लिए हम उनका व्यापार करते हैं उनको कम करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्यतः संरक्षण के 3 प्रकार हैं जो
विभिन्न कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है स्लाइड में दिख रहा है आपको। फर्स्ट है प्रजाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी। यह जीवधारी की विभिन्न जातियों के अंतर्गत पाए जाने वाली विविधता है। पृथ्वी पर अनुमानतः 12.5 करोड़ प्रजातियां हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होगा, स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होता है, एक इकोसिस्टम है उसे हम स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कहते हैं अगर हम स्पीसीज के आधार पर देखें। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हम एक संपूर्ण इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को लेते हैं, इसमें इसके अंतर्गत समस्त पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं, पारिस्थितिकी आता है और इस तंत्र की विविधता का मूल्यांकन वहाँ पाए जाने वाले प्रजातियों की विविधता के आधार पर हम कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक प्रजातियाँ होंगी, जितनी अधिक उनकी संख्या होंगी, उस क्षेत्र की विविधता उतनी ही अधिक होगी, उस पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता उतनी ही अधिक डाइवर्सिटी पाया जाएगा। नेक्स्ट है आनुवांशिक जैव विविधता। एक ही प्रजाति के जीव जंतु या फिर वनस्पति में पाए जाने वाली विविधता को हम आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। जंतुओं में जीन तथा क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण जो विविधता पाई जाती है उसे हम जेनेटिकली या जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे डायग्राम में बताया गया है तीन डाइवर्सिटी जो अभी टाइप्स में मैंने बताया था। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जेनेटिक विविधता को बताता है, जीन्स को बताता है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को बताता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी जो अलग अलग स्पीसीज एक जगह मौजूद होते हैं, अलग अलग जाति जो मौजूद होती है उसके बारे में बताया है। इकोसिस्टम मतलब एक इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है उसे बताया गया है, मतलब सबसे छोटी जो डाइवर्सिटी होती है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हम अगर स्पीसीज को लेते हैं तो उसके बाद हमको स्पीसीज डाइवर्सिटी दिखाई देता है, उसके बाद हम जब लेते हैं बृहद रूप में लेते हैं तो हमको वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है हमको उनमें और अधिक विभिन्नता जो है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैव विविधता का हम मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी जैव विविधता मौजूद है या इस क्षेत्र में इतनी विभिन्नताएं या भिन्नताएं पादपों और जीव जंतुओं में मौजूद है। इसमें हम बताएंगे फर्स्ट अल्फा विविधता। अल्फा विविधता एक समुदाय में समुदाय की संख्या अल्फा विविधता है। यह जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर करती है। वह बाहर से जो प्रजाति किसी समुदाय में एंटर करते हैं उस पर भी ये निर्भर करती है। नेक्स्ट है बीटा विविधता। पर्यावरण के आधार पर परिवर्तित जाति के संगठन को बीटा जैव विविधता के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है गामा जैव विविधता। इसके अंतर्गत संपूर्ण जैविक और अजैविक कारकों को लिया जाता है। अल्फा एवं बीटा प्रकार के दोनों विविधताओं को इसके अंतर्गत जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता का मूल्य। जैव विविधता के मूल्य को या वैल्यूज़ को हम अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है कि किन किन आधारों पर हमको इनका वैल्यू जो है वो पता चलता है, किन किन आधारों पर हम इनका उपयोग करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्टिव विविध उपयोगिता या मूल्य। इसके अंतर्गत ऐसे जैविक स्रोत आते हैं जिनका व्यावसायिक तौर पर उपयोग किया जाता है, जो कमर्शियली या इकोनॉमिकली हमको उपयोगी होते हैं उनको प्रोडक्टिव विविधता या जैव विविधता के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्टिव उपयोगिता। उनके अंतर्गत ऐसी प्रजाति को रखा गया है जिनका उपयोग कम होता है परंतु ऐसे संसाधनों को परोक्ष रूप से एकत्र करके रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जिनको हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष उपयोगिता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल ऑफ इरोशियन, ये सभी हमको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। जैव विविधता के संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां बताई गई हैं। वो दो विधियां हैं, फर्स्ट है इन सीतु कंजर्वेशन या यथास्थल संरक्षण। इस विधि के अंतर्गत प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है और इस विधि के अंतर्गत नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व जो हैं वो यथास्थल संरक्षण या इन सीतु कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम उस जगह के उस हैबिटेट में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को संरक्षित करके रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एक्स सीतु कंजर्वेशन या बहिस्थल संरक्षण। यह संरक्षण की वह विधि है जिसमें किसी जंतु को या पादपों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर रखा जाता है और उनका सुगमता से संरक्षण किया जाता है। भारत में एक्स सीतु कंजर्वेशन में जीन कोश में 34 से ज़्यादा धान्य फसल जैसे गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई इत्यादि तथा 22,000 लेग्यूमिनस प्लांट्स को संग्रह किया गया है, जिसे भारत में उगाया जाता है। इसके अंतर्गत आता है बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक वाटिका, जूस या जंतुशाला, अनुवांशिक संसाधन केंद्र, संवर्धन संग्रह, सीड बैंक या बीज बैंक, या फिर अनुवांशिक अभियांत्रिकी को एक्स सीतु कंजर्वेशन में रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संरक्षण की कार्य योजना क्या क्या होनी चाहिए। हम हमारे आसपास के जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उनको संरक्षित करने के लिए हमें किन किन कार्यों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन कार्य योजना के संबंध में बात चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है द्वीपों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों को सूचीबद्ध करना। सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हम इनको सूचीबद्ध करें। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र के जाल जैसे राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर्स हैं, सेंचुरीज है, जीन कोश है आदि के माध्यम से जैविकता का हम संरक्षण करें। उसके बाद है क्षरित आवास का प्राकृतिक अवस्था में पुनरुत्थान करना चाहिए। प्रजाति को या एक प्रजाति को अगर उसके आवास में वो संतुलित नहीं हो पा रहा है तो उसे अन्य स्थानों पर ले जाकर उसे उगाकर उसे मानव दबाव से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रजाति को जैव प्रौद्योगिकी तथा उत्तक संवर्धन की आधुनिक तकनीकों से लुप्त प्राय प्रजाति जो होते हैं उन प्रजातियों को संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद है देसी अनुसंधान विविधता संरक्षण हेतु घरेलू पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षित रखना चाहिए या उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। जोखिमग्रस्त प्रजातियों का, जितने भी जोखिमग्रस्त प्रजाति है उनका पुनरुत्थान करना चाहिए। इसके बाद है एक ही प्रकार की प्रजाति का विस्तृत क्षेत्र में हतोत्साहन करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने समय समय पर इनके संरक्षण के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनके आधार पर, जिनके अंतर्गत रहकर हमें काम करके जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उनको हम बचा सकते हैं। अंत में रेफरेंसेस, जिससे मैंने आज का एक टॉपिक संदर्भ लिया है,
इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पी डी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन, और कुछ पोर्शन जो है या डायग्राम्स जो है मैंने नेट से लिया हुआ है, जो www.google.com से लिया है। इसी के साथ धन्यवाद।